बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर पर सर्किट कंप्लीट कर चुके थे, अब कंट्रोल के सर्किट के बारे में बात करते हैं, डॉल के। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब ये जो है ये एक ही फेज से हमने कंट्रोल नॉर्मल ऑपरेशन भी लिया हुआ है और एक टेस्ट पोजीशन भी लिया। टेस्ट पोजीशन बेसिकली हम सर्किट को टेस्ट करने के लिए कि सर्किट में कहीं कंटिन्यूटी है या नहीं, तो उसके लिए हम सर्किट में टेस्ट सर्किट भी लगाते हैं, कंट्रोल सर्किट में, टेस्ट पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है। अब इसमें ये दो फ्यूज़ेस लगे हुए हैं, ये नॉर्मल पोजीशन और ये टेस्ट पोजीशन है। ज़ाहिर है पता है, जब नॉर्मल पोजीशन लगी होगी यानी कि नॉर्मल कनेक्ट होगा, लाइन लाइन में होगा, यानी कि ओपन नहीं होगा, क्लोज सर्किट होगा, तो टेस्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी नॉर्मल पोजीशन में ये हमारे पास एक स्विच है, पुश का स्विच होता है, जैसे जिसको हम ओपन करते हैं यानी कि खींचते हैं, यानी ये दो उंगलियों में करके बिल्कुल साइड में ही MCC जो होता है उसकी क्यूबिकल, उसमें पुश बटन कर होता है। अब उसको मैं समझा नहीं पा रहा किस तरह के, मतलब ओपन और क्लोज पोजीशन होती है उसमें भी। अब जब मैंने उसको ओपन किया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट पोजीशन पे चल रहा है। अब टेस्ट पोजीशन पे चल रहा है तो टेस्ट पोजीशन के हम ज़रा अगर डायग्राम देखें तो टेस्ट पोजीशन यहाँ पर आ रहा है, ये सर्किट यहाँ पर भी डिवाइड जा रहा है और ये इधर भी बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब ये यहाँ से ओवरलोड में जा रहा है और ये अगर हम डायरेक्ट फ्यूज़ लगा हुआ है तो ये जब तक ये कांटेक्ट नहीं लगेगा यानी कि C1, तो ये रनिंग नहीं आएगी। टेस्ट पोजीशन है बेसिकली, ट्रिप वगैरह हम टेस्ट पोजीशन में चेक करते हैं। तो ये दोनों जब नॉर्मल कंडीशन में होगा तो ओवरलोड भी बंद होगी और अर्थ फॉल्ट भी बंद होगी, तो ये दोनों लगे हुए होंगे। तो यहाँ से ये ट्रिप पोजीशन में हमें शो करके बता देगा कि यानी कि ये सर्किट आपका, ये जो लूप है बेसिकली, ये वाला लूप जो है आपका कंप्लीट है। तो ये ट्रिप पोजीशन में आपको ट्रिप की लाइट शो करेगा। नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल पोजीशन में ये क्लोज होगा। तो यानी कि फ्यूज़ से आया ये नॉर्मली, इस स्विच से आया और यहाँ पे होता हुआ, अब ये यहाँ पर डायरेक्ट इधर आएगा। ये अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट कहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये अर्थ फॉल्ट। ये अर्थ फॉल्ट रिले कौन सी है, ये अर्थ फॉल्ट रिले जो है हमारे पास ये लगी हुई, जिसको CBT कहते हैं, वो अर्थ फॉल्ट रिले ये लगी हुई। अगर आपके इसके बारे में आपको देखना है तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में, कोर बैलेंस के बारे में मैंने बताया थोड़ा बहुत। ठीक है। अब ये ओवरलोड से होती हुई ओवरलोड रिले लगी हुई है, ये लगी हुई ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड, इसके बारे में पीछे बताया था। ओवरलोड से होती हुई ये स्टॉप स्टार्ट बटन है। ठीक है। स्टॉप बटन जो होता है हमेशा नॉर्मली क्लोज होता है। यहाँ से ये R4 रिले में आ गई। ये R4 रिले कौन सी है, R4 रिले बेसिकली ये है, ये बेसिकली प्रोसेस से स्टॉप, यानी कि दो हमारे पास स्टॉप के बटन होते हैं, एक तो हमारे MCC पे लगा होता है यानी कि क्यूबिकल पे लगा होता है, और एक हमारे फील्ड में लगा होता है यानी कि प्रोसेस जहाँ पर होता है, यानी कि अगर कोई हमें टैंक को फिल करना है तो उस मोटर के ऊपर स्टार्ट स्टॉप बटन लगा होगा। तो अगर वहाँ वहाँ जो एक बटन लगा हुआ होगा यानी कि स्टॉप बटन होगा, वो बेसिकली R4 कहलाएगा, यानी कि प्रोसेस जा रही है उसकी रिले जो है उसमें, क्योंकि वो फिर ये दूसरी क्यूबिकल से होती हुई, यानी कि फिर वो दूसरी चीज़ें मार्शलिंग केबलिंग उधर से होती हुई आती है। तो ये बेसिकली आप समझ लें प्रोसेस के स्टॉप से बटन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, R41 से आ रही है। अब यहाँ से ये फील्ड स्टॉप हो गया। फील्ड स्टॉप यानी कि आपका जो फील्ड में लगा हुआ, यानी कि आपकी क्यूबिकल पे लगा हुआ है, क्यूबिकल के ऊपर जो फील्ड का स्टॉप का बटन लगा हुआ है वो है ये। ठीक है। यहाँ से होती हुई अब ये R8 और C1/1। R8 क्या है, ये R8 क्या चीज़ होती है, बेसिकली R8 होती है री एक्सलोरेशन मॉड्यूल। री एक्सलोरेशन मॉड्यूल क्या होता है, होता ये है कि फ़र्ज़ कर लें गलती से मैंने क्या किया, फील्ड में यानी कि जो क्यूबिकल के ऊपर बटन है, फील्ड के ऊपर जो स्टॉप का बटन है, वो मैंने बटन दबा दिया। अब प्रोसेस चल रहा था। अब अगर पानी वानी का नॉर्मल टैंक हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, मगर अगर एक क्रिटिकल हमारे पास कोई लोड चल रहा है जिसकी वजह से पूरी चेन डिस्टर्ब हो सकती है किसी भी लोड की, तो अब अगर मैंने बंद कर दिया तो वो तो क्या कहते हैं, पूरा लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जब क्रिटिकल लोड होता है, क्रिटिकल लोड से मुराद है मतलब कि हमें चेन ऑफ प्रोसेस का लोग नुकसान हो सकते हैं, यानी कि एक चीज़ अगर मैंने बंद की तो दूसरी चीज़ डैमेज हो जाएगी, तीसरी चीज़ हो जाएगी डैमेज, इसलिए ये चेन ऑफ प्रोसेस कहलाता है। इसको बचाने के लिए जाहिर बात है एक कॉस्ट, मतलब ये लॉस ही होगा ना अगर हम किसी भी सिस्टम को बंद करते हैं, उससे हमारी पूरी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम एक सिस्टम लगाते हैं री एक्सलेशन मॉड्यूल। इसका काम ये होता है, फ़र्ज़ कर लें मैंने गलती से कोई बटन दबा दिया था या एमरजेंसी से दब गया था, तो मोटर बंद नहीं होगी। मोटर कितने सेकंड तक चलती रहेगी, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उस दौरान तक वो मोटर चलती रहेगी।
अब जैसे ही मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैंने गलती से चला दिया, मैंने दोबारा ऑन कर दिया, तो वो सर्किट जो है वो कंप्लीट ही रहेगा, वो मोटर बंद नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो री एक्सोलेशन मॉड्यूल का मतलब ये लगाने का मकसद ये होता है। तो ये यहाँ पर आई, अब ये फील्ड स्टार्ट का बटन है। अब जैसे फील्ड स्टार्ट मैंने यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर दी, ये प्रोसेस स्टार्ट, ये फील्ड स्टार्ट का बटन जो है बेसिकली ये क्यूबिकल पे भी लगा होता है। क्यूबिकल से मैंने क्या किया, फर्स्ट कर लें ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने ऑन किया, तो अब ये कॉन्टैक्टर जो है ये C1 वाला, ठीक है, ये C1 वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लग जाएगा, ये मेन कॉन्टैक्टर आपका ये रहा, ये रहा। ये जैसे ही कॉन्टैक्ट लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके रिएक्सोलेशन मॉड्यूल चलना शुरू हो जाएगा। इसको बेसिकली न्यूट्रल दिया हुआ है और ये इसका फेज है, समझ ले, क्योंकि यहाँ से आ रही है, इसमें यहाँ पे अब यहाँ से कंटिन्यू होने शुरू हो गई, यहाँ पे सप्लाई आने शुरू हो गई, क्योंकि ये सारी क्लोज हैं आपस में। ये जब R4 जो है प्रोसेस से जब ये स्टॉप होगा, ये भी आपका लगा हुआ ही होगा, ये क्लोज पोजिशन में होगा, तो यहाँ से आपको यहाँ तक सप्लाई आने शुरू हो गई, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से आपको सप्लाई आने शुरू हुई, तो अब ये कंटिन्यू हुआ यहाँ पर आया, ये जब ये मैंने आपको बताया था क्लोज पोजीशन में हो, ये ओपन पोजीशन में होगा, क्यों? अगर ये ओपन पोजीशन में नहीं होगा तो ये आपका जो है ये ओपन हो जाएगा, फिर ये अगर मैं फर्स्ट करने क्लोज कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये इसमें इंटरलॉकिंग लगी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज होगा, यहाँ से आपके सर्किट जा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ये ट्रिपिंग की कमांड है। हमारा यहाँ पर सप्लाई आएगी, यहाँ से ये आपका लग चुका होगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर आपका लग चुका है, इसमें नॉर्मली ओपन जो है ये बेसिकली क्लोज होगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो आपकी रनिंग की इंडिकेशन शो होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका लूप जो बनेगा बेसिकली वो यहाँ से आएगा, यहाँ से होता हुआ ये पूरा स्टॉप फील्ड से बटन से होता हुआ, ये दोनों कॉन्टैक्ट लग जाएंगे आपके, ये फील्ड स्टार्ट, जब आप स्टार्ट की कमांड देंगे तो बेसिकली ये लैच कर लेगा, ये जो है ना ये आपको स्टार्ट बटन को लैच कर लेगा, और ये कॉन्टैक्टर भी लग जाएगा, और ये R4 रिले भी लग जाएगी। यहाँ से होता हुआ जब ये कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल जाएगी, ये R4 ये रीएक्सीलेशन से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये आपका पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात, ये जो है अर्थ फॉल रिले जैसे ही ट्रिप होगी, यानी कि अर्थ फॉल, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर एक कोई फेज़ आपका इशू होता है, यानी कि फेज़ डैमेज होना शुरू, यानी कि एक फेज़ चले गया आपका या कुछ भी इशू आया, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, ये S1 S2, इसमें वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, और इसमें वोल्टेज आने शुरू होंगे इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही प्रॉब्लम आने शुरू होगी तो ये आपका जो क्या करेगा, ये S1 S2 इसको सप्लाई देना शुरू होगा, और यहाँ से जो है ये अर्थ फॉल रिले जो है, ये अर्थ फॉल रिले इसको कमांड देगी, अर्थ फॉल रिले जो है इसमें आ जाएगी ये ओपन कर देगी। अर्थ फॉल रिले जैसे ही ओपन होगी, यानी कि ये ओपन होगी, ये आपका अगर लगा हुआ भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सर्किट ओपन हो गया तो ये पूरा आपका क्लोज हो गया सर्किट, ये पूरी इसको भी रीएक्सीलेशन मॉड्यूल को भी सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, यानी अर्थ फॉल वाला भी क्लोज हो जाएगा, थर्मल ओवरलोड वाला भी, तो आपकी ट्रिपिंग की कमांड ऑन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी, और ये जो है ये यानी कि जो कॉन्टैक्टर वाली लाइन है, कॉन्टैक्टर जो है लैचिंग अपनी छोड़ देगा, और रनिंग की कमांड आपकी बंद हो जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने अर्थ का थोड़ा बहुत आपको बतानी कंट्रोल सर्किट की बताने की कोशिश की थी, उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ी गलतियाँ हों तो माजरत खां, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और कोशिश करता हूँ जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो शुक्रिया।